नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी? आशा है कि अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न एक का ये दूसरा भाग। इससे पहले मैंने पहला भाग करवा दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आप जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मेरा ये सुझाव है आपसे कि आप उस वीडियो को पहले देखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे दूसरा भाग, देखिएगा किस तरह से करेंगे। तो इसमें भी हमें क्या बोला गया है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि उचित गुणधर्मों का उपयोग करना है और फिर इसका मान ज्ञात करना है। हालांकि हम इसे भी चाहें तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट आंसर करने का कोई हमको फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसका एक भी अंक नहीं मिलने वाला हमें। तो इसीलिए इसको हमें कहा गया है साफ साफ कि उचित गुणधर्मों का उपयोग कीजिए और फिर इसका मान ज्ञात करें। तो चलिए, इसको भी हम पहले भाग की तरह ही करेंगे सेम। तो देखिए, इसमें भी क्या है कि पद बना लेंगे पहले हम। तो देखिए, 2/5 गुणा माइनस 3/7, ये दोनों क्या है, गुणा में है, तो इसलिए इसको हम एक पद मान लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक पद। इसी तरह से अब इस एक पद क्यों मानेंगे इसको हम, इसको मैंने बता दिया है आपको पहले ही इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में, जो कि फर्स्ट भाग जो कि मैंने करवा दिया है उसमें। तो आप, मेरा सुझाव है कि उसे पहले जाकर देखिए। तो देखिए, अब ये है -1/6 गुणा 3/2, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा दूसरा भाग। इसी तरह से +1/14 गुणा 2/5, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। तो इस तरह से कितने हो गए, 1, 2 और 3 पद हो गए हमारे। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है कि 2/5 गुणा -3/7 इस पहला पद में और 1/14 गुणा 2/5 इस तीसरे पद में, जो 2/5 है वो इन दोनों में ही है सेम। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको आगे कि इस पहले पद को तो सेम लिखेंगे यहाँ पर, और इस दूसरे पद के स्थान पर हम इस तीसरे पद को लिखेंगे, और इस दूसरे पद को हम तीसरे पद के स्थान पर लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो देखिए, इसको करते हैं। सबसे पहले इस पहले पद को हम सेम लिख लेंगे, 2/5 गुणा, ब्रैकेट हटा लेंगे तो -3/7 हो गया, ठीक है। अब इस तीसरे पद को हम लिखेंगे दूसरे पद के स्थान पर, तो तीसरा पद क्या है हमारा, +1/14 गुणा 2/5, ठीक है। तो इसके बाद अब करेंगे, तीसरे पद लिखेंगे तो तीसरे पद के स्थान पर हमको दूसरा पद लिखना है, तो दूसरा पद क्या है इसमें हमारा, -1/6 और गुणा 3/2। तो ये हमने इस तरह से कर दिया। अब इसको करने के लिए हमने किस गुणधर्म का उपयोग किया है, तो हमने किया है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए, 2/5 गुणा -3/7 और +1/14 गुणा 2/5, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब क्या बचा इसके बाद, ये बच गया -1/6 गुणा 3/2, ये बच गया। अब देखिए आगे कि इस पूरे में आप क्या देख रहे हैं कि 2/5 गुणा -3/7 इसमें और +1/14 गुणा 2/5 इसमें, इन दोनों में क्या है कि 2/5 इसमें भी है और 2/5 इसमें भी है, यानी कि 2/5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि 2/5 को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे एक बार, ये हमने लिख दिया। अब देखिए, इस 2/5 को यदि हम इस 2/5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1, तो हमने लिख दिया 1। फिर इसके बाद गुणा है, तो यहाँ पर आ गया गुणा। अब -3/7 है तो -3/7 हमने लिख लिया। अब देखिए प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, फिर 1/14 है तो 1/14। अब फिर देखिए, 2/5 और ये भी 2/5, तो दोनों को हम भाग करेंगे 2/5 से इस 2/5 में, तो कितना आएगा भागफल, 1, तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने 1। और फिर गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा का चिन्ह। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर ये हम लिख देंगे -1/6 और गुणा 3/2। अब इसको करने के लिए हमने कौन सा नियम का उपयोग किया है, तो हमने किया है वितरण का नियम, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये है, अब वितरण का नियम मैंने समझा दिया है आपको इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं, तो इस 2/5 को हमने लिख दिया 2/5 ब्रैकेट में, इस एक को अगर गुणा करेंगे -3/7 से तो कितना आएगा हमारा, वही आएगा -3/7। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को जब एक से गुणा करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसके बाद क्या है, प्लस, अब 1/14 को इस गुणा एक से करेंगे तो कितना आएगा, 1/14 ही आएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और -1/6 × 3/2। अब इसको देखिए कि -1/6 × 3/2 ये क्या है, आपस में गुणा में है, यानी कि इस एक को गुणा करेंगे 3 से और 6 को गुणा करेंगे 2 से। तो इसको हम क्या करते हैं कि भाग भी करते हैं ऊपर और नीचे वाली संख्याओं में। तो ये देखिए 3 × 3 हो जाएगा और ये 3 × 2 = 6, यानी कि 3 के पाड़े से हमने दोनों को काट दिया। तो ये आपका हमने काट दिया, तो आगे कितना आएगा, इसको आगे करते हैं हम, तो 2/5 और इसके बाद ब्रैकेट में -3/7 और +1/14 ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये क्या बचा, -1 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 को यदि 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो -1/ इस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4। अब देखिए आगे 2/5 ब्रैकेट में इस -3/7 +1/14 को अब हमें सॉल्व करना है, यानी कि हल करना है। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं, नीचे वालों यानी हर का हम एलसीएम लेते हैं लघुत्तम, तो यहाँ पर हम ले लेंगे लघुत्तम इसका। मुझे आशा है कि आपको लघुत्तम करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो ये हो गया 7 और 14 का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा आपका 14। अब 14 में 7 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 2 और 2 को हमें गुणा करना है -3 से। तो 2 को अगर गुणा करेंगे -3 से तो कितना आएगा हमारा आंसर, तो देखिए 2 × 3 = 6 और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, तो कितना आ गया -6। अब इस 14 से इस 14 में भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 और 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो हमने लिख दिया 1 और ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब ब्रैकेट बंद, अब क्या बचा, -1/4। अब देखिए आगे इस 2/5 को लिखिए हमने और ब्रैकेट जब हटता है तो कौन सा चिन्ह लगता है, गुणा का, तो हमने लिख दिया गुणा का चिन्ह। फिर देखिए -6 + 1/14, तो माइनस और प्लस जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, तो हम यहाँ पर 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 और चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए -5 और नीचे 14 है हर में, तो 14 लिख दिया हमने और फिर माइनस है 1/4, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2/5 × -5/14, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2 का गुणा होगा -5 से और 5 का गुणा होगा 14 से। तो इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं, भाग भी करते हैं ऊपर और नीचे वालों का, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है सेम ऐसे ही इसमें भी हम करेंगे। तो देखिए 5 और इस 5 को हम काट देंगे, 1 के पाड़े से कटेंगे दोनों, तो 5 × 5 कट गए। अब ये भी कट जाएगा आपका, देखिए 2 × 2 और 2 × 7 = 14, तो ये हो गया। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 1 × -1 तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, 1 × 7 तो कितना आएगा, 7 आएगा, 1 × 7 = 7। अब क्या बचा, -1/4, तो ये हमने लिख दिया 1/4। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको आगे हल करेंगे, तो 7 और 4 इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 28 आ जाएगा, तो एलसीएम हो गया 28। अब 7 से इस 28 में भाग करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था पिछले इसमें, इसी तरह से हम ये भी कर रहे हैं। तो 7 से 28 में भाग करेंगे तो आएगा भागफल 4 और 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4 ही आएगा। कैसे आएगा, देखिए हमारा कितना आया था इसमें, इस 7 से 28 में भाग करने पे भागफल 4 आया था और गुणा हमने किया इस -1 से, तो कितना आ गया, -1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, ये आपका -4 ही आएगा, तो हमने लिख दिया -4। अब इस 4 से 28 में भाग करेंगे तो भागफल आएगा 7 और 7 को 1 से यदि गुणा करें तो कितना आएगा, 7 × 7 ही आएगा और ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस। अब देखिए
ए माइनस चार और माइनस सात जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, चार और सात को, तो कितना आएगा, ग्यारह, और इसके बाद माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इसमें भी बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए। अब बट्टे में नीचे क्या है, हर में हमारा 28, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 28। तो इस तरह से आपने देखा कि माइनस 11 बटा 28 जो है वो आपका हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं चैनल पे, तो चैनल पे लाल कलर का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक कीजिएगा।